मैं भैया जहां से गुजर रहा हूँ आजकल, वहां दिख रहा है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां एक टावर बन रहा है और वहां एक टाउनशिप बन रही है। ऐसे में काफी लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि आपका ओपिनियन अपना क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन लेना चाहिए कि रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। अब देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज की डेट में मैं रियल एस्टेट में फ्लैट सिस्टम में किसी को इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देता हूँ। मुझे नहीं लगता है 15-16 साल तक इसमें कोई भी रिवाइवल की उम्मीद दिख रही है। लेकिन फिर भी अगर आपको रियल एस्टेट में फ्लैट सिस्टम के अंदर अपने रहने के लिए एक मकान लेना है और उसमें अगर आप कन्फ्यूज़ हो कि रेडी टू मूव इन लें कि अंडर कंस्ट्रक्शन लें, तो इस वीडियो में काफ़ी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है मेरी तरफ से, मेरे अपने ओपिनियन की मदद से भी। और वो चीज़ें मैं बताऊंगा जो आपको ज़रूर डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्प करेगी कि आपको रेडी टू मूव इन लेना चाहिए कि अंडर कंस्ट्रक्शन लेना चाहिए। आइए मिलकर सीखते हैं इसी टॉपिक के ऊपर इस वीडियो के अंदर। देखिए, मेरी अपनी पसंद रेडी टू मूव इन हमेशा रही है और उसकी तीन इम्पॉर्टेंट बातें हैं। पहली तो बात है पैसे की। पैसे का मेरा ये चैनल है, फाइनेंस पे मैं वीडियोस बनाता हूँ। मनानी दिपिन हूँ, फाइनेंस एंथुसियास्ट हूँ, फाइनेंशियल कोच भी हूँ। तो यहाँ पर जब तक पैसा बचता नहीं है वो स्कीम पसंद नहीं आती है। अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको लगता है जीएसटी, जी हाँ, 5% का जीएसटी आपको भरना पड़ता है। रेडी टू मूव इन में आपको जीएसटी नहीं भरना पड़ता है। देखिए, 60 लाख रुपये का अगर आप घर लेते हो तो उसका 5% होता है 3 लाख रुपया। जी हाँ, 3 लाख रुपया आपको जीएसटी भरना पड़ेगा अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन ले रहे हो। ये रेडी टू मूव इन जिसको ओसी रिसीव्ड है, ये आप ध्यान में रखिए बात, अगर उस बिल्डिंग को, उस टावर को, उस कॉम्प्लेक्स को ओसी रिसीव्ड है, उसके सारे पेपर्स क्लियर है, तो वही रेडी टू मूव इन क्राइटेरिया में बैठेगा और उस पर आपको कोई भी जीएसटी नहीं भरनी पड़ेगी। तो 5% का तो स्ट्रेट अवे मुझे बेनिफिट मिल रहा है अगर मैं रेडी टू मूव इन में ले रहा हूँ। दूसरे फायदे की अगर बात करें तो मैं इसमें समझता हूँ कि रिस्क कुछ नहीं है। मुझे दिख रहा है कि फ्लैट कौन से माले पे है, उसकी बालकनी किस तरफ है, रूम कितने चौड़े हैं, बाथरूम कितना छोटा है या बड़ा है, और यहाँ तक मेरी लोकेलिटी कैसी है। लोकेलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपने फ्लैट ले लिया, वहाँ पर रहना है आपको, और आपकी अगर लोकेलिटी अच्छी नहीं आई तो आपको रहने में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। तो लोकेलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक घर आप लेते हो 15-20 साल रहने के लिए मिनिमम, तो वहाँ पर लोकेलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। रेडी टू मूव इन में आपको ये बेनिफिट मिल जाता है, आप इजीली देख सकते हो कि आपके नेबर्स कौन हैं, कैसे हैं, और उसके हिसाब से आप एक बहुत ही अच्छा डिसीजन ले सकते हो कि आपका नेबरहुड कैसा होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर रिस्क बहुत लिमिटेड होती है क्योंकि फ्लैट तैयार है, पेपर्स रेडी है, फाइल आपके सामने पड़ी है, लोग रह रहे हैं, उनका VOC यानी कि जो रह रहे हैं लोग वो आपको बताते रहेंगे बिल्डर कैसा है, बिल्डिंग कैसी है, वॉचमैन कैसा है, फैसिलिटीज़ क्या क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, दिक्कतें क्या क्या होती हैं, सेक्रेटरी कैसा है बिल्डिंग का, तो ये सब चीज़ें भी आपको ईजिली पता चल जाती है। तो यहाँ पर रिस्क बहुत कम हो जाती है, ऑलमोस्ट ज़ीरो रिस्क हो जाती है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा फ़ायदा है रेडी टू मूव इन में लेने के लिए। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो दिखता है वो मिलता है। जी, अंडर कंस्ट्रक्शन में सेल्समैन आपको बिठाएगा अच्छी AC ऑफिस में, अच्छे अच्छे फोटोज़ दिखा देगा, टूर करा देगा बंजर ज़मीन का और बताएगा हमारी एक बहुत बड़ी टाउनशिप है, यहाँ पर क्लब हाउस है, यहाँ पर स्विमिंग पूल है, और आपका फ्लैट का फेसिंग ये होगा वो होगा। लेकिन पता नहीं होता है कि बनने के बाद वो सही में जो कह रहा है सेल्समैन वो होगा कि नहीं। देखिए, वो सेल्समैन की एक लीड कन्वर्ट करने के लिए आपको बोल रहा है और शायद उसकी भी गलती ना हो, उसको भी ऊपर से यही इन्फॉर्मेशन मिली हो। देखिए, वो बिल्डर नहीं है, वो एक सेल्समैन है, एक नौकरी कर रहा है, राइट? तो वहाँ पर आपको शायद वो सही इन्फॉर्मेशन या सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से आपको पता हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन यही अगर आप रेडी टू मूव इन में लेते हो तो आप देख सकते हो कि एमिनिटीज़ कहाँ पर है, स्विमिंग पूल कितनी दूर है, कार पार्किंग कैसी है, कि सफिशिएंट है कि नहीं है, वहाँ पर गाड़ियाँ रुकने की जो जगह है वो अच्छे से बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है। ऐसे तो नहीं आप ओपन में ही रुका रहे हो और आपको कवर्ड पार्किंग के चार्जेस लिए जा रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आपको 2 लिफ्ट बोलकर एक ही लिफ्ट के बिल्डिंग में एक यूनिट दिया जा रहा है, यानी कि एक फ्लैट दिया जा रहा है। तो रेडी टू मूव इन के ये बहुत अच्छे फायदे होते हैं कि आपने जो देखा है वो आपको मिल रहा है। इसमें मैं आपको एक पावर टिप देना चाहूँगा, आप जब भी फ्लैट लो अपने बालकनी के सामने वाला जो पोर्शन है वो उसे अच्छे से ध्यान से देखिए, क्योंकि वहाँ पर अगर एक मैदान है तो इंक्वायरी कीजिए कि वो जो मैदान है, वो जो ग्राउंड है, वो किसका है, वो किसके नाम का है, वहाँ पर आगे क्या होने वाला है। ऐसा नहीं हो कि आप रहने आ गए उस फ्लैट में, उसके बाद वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो गया और दिन रात आपकी नींद खराब हो रही है क्योंकि वहाँ पर भी बन रहे हैं टावर्स, जैसा टावर लिया है आपने। ये सब भी आपको देखने की बहुत ज़रूरत है। तो ये सब भी आपको रेडी टू मूव इन में काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है चेक करने की, कि यहाँ पर एटलीस्ट सामने का जो फेसिंग है वहाँ पर क्या है, कोई रिस्क तो नहीं है, कुछ और चीज़ तो नहीं आ जाएगी। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी को चूज़ कीजिए, अपने रिस्क को कम से कम रखिए। आपका ये मेहनत का पैसा है, उस पैसे को आप एक
अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जैसे गुडीज़ की परचेस होती है या कोई मोबाइल की परचेसिंग होती है, उस तरह से आप अपने फ्लैट को ना खरीदें। अच्छे से देखकर टच एंड फील का मजा लें और उसके बाद ही आप जीरो रिस्क पर ये काम कीजिए। इसी तरह के फाइनेंशियल टॉपिक्स पर आपको जानकारी पाना पसंद है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरा ये यूट्यूब चैनल संडे निवेश। ये वीडियो पसंद आया है लाइक कर मुझे सिग्नल दीजिए ताकि इस टॉपिक पर ऐसे टाइप के बहुत सारे और भी वीडियोस मैं आप तक ला पाऊँ, आपकी एक मदद कर पाऊँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लिखकर मुझसे ज़रूर पूछिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।